हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने टाइटल देखा, मेरा टाइटल है एक्रेलिक पेंटिंग पिकॉक पेंटिंग। और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं यहाँ पे बहुत ही कम कलर यूज़ करने वाली हूँ, तीन या चार, ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी कलर्स में। एंड मैं ड्राइंग बना रही हूँ अभी। एंड ड्राइंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि हमें पेंसिल को प्रेस करके ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लाइट प्रेस करके मैं ड्राइंग बनानी है। कोई भी ड्राइंग करनी है पेंटिंग के लिए या फिर ऐसे कुछ स्केच कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखा करें पेंसिल प्रेस ना करें। तो अभी मैं बैकग्राउंड में प्योर ब्लैक यूज़ करने वाली हूँ, पूरा जितना भी बैकग्राउंड है सब ब्लैक ब्लैक। एंड देन अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, सॉरी वीडियो पे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर कमेंट। एंड अभी मैं थोड़ा सा वाइट यूज़ करूँगी, ब्लैक में मिक्स कर दिया मैंने, जो मेरे पास ब्लैक कलर था उसमें थोड़ा सा वाइट के लिया। एंड फिर थोड़ा सा और वाइट लेने लूँगी। एंड जो ये ऊपर जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वहाँ पर भी वो कलर मैं करूँगी। देखिए स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे भी कलर करना मैंने। यहाँ पे मैं बहुत ही कम कलर यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ आप लोग को फिर से। अभी मैं येलो लूँगी, जो मैंने ये ग्रे कलर बनाया है उसमें थोड़ा सा येलो मिक्स करूँगी इसी शेड में। ये देखिए येलो उसे मिक्स किया मैंने। एंड देन मैं इसको अप्लाई कर दूँ यहाँ पे। हर जगह मैं ये कलर अप्लाई नहीं करूँगी, कहीं कहीं पे कलर को बैलेंस करने के लिए, ताकि वो पेंटिंग में हर जगह शो हो और बैलेंस भी हो जाए कलर्स पेंटिंग में। एंड अब मैं यहाँ पे येलो नहीं यूज़ करूँगी, अब थोड़ा सा यूज़ करेंगे वाइट। जो मैंने ये शेड बनाया था पहले येलो डाल के, अब उसी में मैंने वाइट मिक्स किया है। और इसके बाद थोड़ा सा और एक बार मैं वाइट यूज़ करूँगी, मेरी थोड़ा सा लाइट शेड हो गया ना अभी ये, थोड़ा सा मैंने और वाइट यूज़ किया वहाँ पे, सॉरी मैंने हाँ। एंड ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ शेडिंग कर रही हूँ यहाँ पे वाइट, और ये जो मैंने कलर बनाया है येलो एंड ब्लैक का, थोड़ा सा नीचे बस मैं शेडिंग के लिए सिर्फ यहाँ पे मैंने किया है थोड़ा सा, बस शेडिंग मैंने एक जगह की है ये देखिए। एंड फ्रेंड्स, एक्रिलिक कलर यूज़ करने से पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखिए आपका ब्रश काफ़ी स्मूद हो, ताकि पेंटिंग करते टाइम अपने को प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैंने प्योर येलो कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं सर्कल में, जो डिज़ाइन मैंने बनाया है पिकॉक पे। और वहाँ थोड़ा सा मैं वाइट भी यूज़ करूँगी आउटलाइनिंग के लिए। देखिए कलर फ्रेंड्स, मैंने कलर्स कितने कम यूज़ किए हैं, ब्लैक लिया एंड वाइट, देन येलो, और बस मैं थोड़ा सा एक कलर और यूज़ करने वाली हूँ, बहुत ही कम। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ऑरेंज और वाइट मैंने मिक्स करके बनाया है यहाँ पे, ये प्योर ऑरेंज कलर नहीं है। एंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जो हमारा ब्लैक कलर है, अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा भड़कीला लग रहा है, तो आप ये जो ऑरेंज कलर मैंने बनाया है उसमें बहुत सारा पानी मिक्स करिए, वाटर कलर का इफेक्ट आ जाए वैसा उतना। एंड वहाँ पे जो ब्लैक कलर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें ड्राइंग करनी है तो वो कलर शो नहीं होंगे जो हम लोगों ने अप्लाई किया है, वाटर कलर एक्रेलिक जो भी है। एंड यहाँ पे देखिए डॉट डॉट मैंने किया अभी बैकग्राउंड में, हर जगह नहीं करूँगी, कहीं कहीं पर ही रहेगा, पिकॉक के साइड में बस। कैसा लगा फ्रेंड्स वीडियो? अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछे, कमेंट करें। एंड ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया, यहाँ पे लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी है उसी येलो से किया है। और मैं अभी थोड़ा सा ऑरेंज जो है मैंने लिया है, उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके मैं यहाँ पे जो ये पिकॉक का ये जो पंख है वहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट। एंड ये देखिए ओके, फिर बाय एवरीवन। आप लोग देखते रहे मेरा वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।